Hi family, welcome back to my new vlog. Good afternoon, आप सब कैसे हैं? I hope so, सब आप तृप्ति करोगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और दिवाली की तैयारियां कर रहे होंगे बहुत सारी सारी. एकदम मस्त दिवाली अब आने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारे बच्चे बम पटाखे फोड़ेंगे, सुंदर सुंदर कपड़े पहनेंगे. कल का दिन तो मेरा ऐसे ही निकल गया था, आपको सब कुछ पता ही है. बट आज अभी मैंने बिजली वाले भैया को फ़ोन किया था तो मेरा सीन ख़राब हो गया. बिजली वाले भैया के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और हालांकि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं कल आ जाऊंगा और वो नहीं आए. कह रहे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ये वो ऐसे वैसे. अब जितने बिजली वाले हैं उन सबके नखरे हो रहे हैं आने में, कोई भी नहीं आ रहा यार. अब बताओ क्या करूँ मैं, बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है. बस अभी बच्चे भी स्कूल से आए हैं, बच्चे अभी अभी स्कूल से आए हैं और दोनों देखिए आप होमवर्क कर रहे हैं, किधर बैठे किधर. दोनों अपना अपना होमवर्क कर रहे हैं. पराठा मैंने बना के दे दिया, अभी थोड़ा गर्म है पराठा इसलिए पहले वो होमवर्क कर लेंगे, उसके बाद ये अपना लंच कर लेंगे. और कल इनके स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन है तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारी, हाँ वेरी गुड, मैथ्स का कर ले, बहुत सारी तैयारियाँ करनी हैं. जब से आते के साथ ही सिर खा रखा मेरा, कल ये लेके जाएंगे, कल वो लेके जाएंगे, पार्टी है हमारे स्कूल में, ये वो अटरम चटरम. मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, ये लो ONE1 लिखो, ONE1 वेरी गुड. तो अब देखते हैं कल क्या होगा. और स्कूल के कपड़े यूनिफॉर्म पहन के जानी नहीं है, विदाउट यूनिफॉर्म जाना है. तो बच्चे और भी खुश हैं, वो भाई साहब तो कुर्ता पजामा पहन के जाने वाले हैं. और मिट्टू ने अपनी सीक्वेंस वाली कहा है, मम्मी मेरे को यही ड्रेस पहनी है, सीक्वेंस वाली ड्रेस निकलवाई है, वो पहन के जाएगी और बहुत मज़ा आएगा इनको स्कूल में. कल तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं बहुत ज़्यादा. मैम का कॉल आया, मैम मेरे को कह रही कि शिवाय के लिए कुछ पार्टी के मतलब का कुछ अच्छा सा लंच या तैयार कर देना, कुछ फ्रूट लंच में भी कुछ अच्छा कर देना और भेज देना. मैंने कहा लंच में पराठे के सिवा तो मैं कुछ नहीं भेज सकती. कह रही क्यों? मैंने कहा वेजिटेबल मेरा बच्चा खाता नहीं है, अदर कोई चीज़ मेरा बच्चा खाता नहीं है, भेजू तो भेजू क्या. और ये ज़िद्द करती है कि हम मुझे पास्ता भेजो, पास्ता पास्ता मैं कभी नहीं भेजती स्कूल में यार, कभी नहीं. उस दिन भी पता, बच्चे यार एक चीज़ बताओ, पास्ता हम लोग खाते हैं वो थोड़ी देर में कैसा एकदम टाइट टाइट सा हो जाता है, स्कूल में कहाँ कब तक पास्ता रह सकता है. कुछ पेरेंट्स भेजते हैं तो ये इसके इस क्लास में, मिट्टू की क्लास में बच्चे लेकर आते हैं तो ये भी ज़िद्द करती है पास्ता पास्ता. मैं पास्ता नहीं भेजने वाली मैं किसी भी कीमत पे, हेल्दी फूड कुछ भी ले जाओ पर पास्ता नहीं जाएगा. देखते अब क्या होता है, क्या क्या लेके जाएंगे. वैसे फ्रूटी इडली लेके जानी है उसने, कलर वाली और मिठाई और मेरे को भी मिठाई, चॉकलेट बर्फी. डिमांड्स देखो इनकी, चॉकलेट बर्फी और तेरे को तो अब देखते हैं क्या ले जाएंगे स्कूल में, क्या करते हैं. ओके बट ये स्कूल में आज टीचर को अपनी मैम को या आज ही अपना दिवाली उनको मैम का दिवाली गिफ्ट दे आए हैं दोनों बच्चे. छोटा सा कार्ड बनाया था इन्होंने सुंदर सा और चॉकलेट और मैम को उसने मैम को दिया है. बच्चे भी खुश हो गए, मैम भी खुश हो गई कि छोटे छोटे बच्चे मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं दिवाली. बस अब देखते हैं बाकी क्या होगा, अभी थोड़ी देर में डिसाइड करती हूँ फिर आपको मैं बताऊँगी. हाई फैमिली, गुड इवनिंग. मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बच्चे ट्यूशन चले गए और फिर अकेले क्या खाती, तो मैंने फिर अपने लिए चीज़ी मैगी बना ली, साथ में चाय और नमकीन. माधव को भी यही खिला दिया था, मैगी तो माधव को नहीं खिलाई. चाय और नमकीन माधव को भी खिला दी थी मैंने. बहुत दिन से आपको माधव से भी नहीं मिलवाया, माधव से भी मैं आपको मिलवाऊंगी. और दिवाली की अभी शॉपिंग करने जाना है, बहुत सारी शॉपिंग है यार, देखो कितनी चीज़ी मैगी है यार. बहुत सारी शॉपिंग करने जाना है, अभी मार्केट जाना है और गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर आने हैं जो दिवाली पे, मतलब मिठाई वगैरह जो कुछ भी होगा देखेंगे चलेंगे और फिर वो भी ले. हाय फैमिली, मैं काम कर रही थी और मेरी फ्रेंड आई है मेरे से मिलने के लिए, दिवाली गिफ्ट देने के लिए. और दिवाली गिफ्ट शुरू हो चुके हैं मेरे, लाइए जी लाइए. ओ ओ थैंक यू, इतना
कुछ, ये तो बहुत कुछ है यार। चलो मैं अब इससे बात करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाय फैमिली, फाइनली अब मैं फ्री हो चुकी हूँ तो मैं आपसे सबसे बात करने आ गई हूँ अब। और डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है और अभी सी और आंटी भी आए थे, तो रात के देख लो टाइम कितना हो गया, रात के बज रहे 11:30। हम लोग बहुत सारा हमने बातें करी, बहुत मस्ती मारी और अभी शोर आ रहा है पीछे भी, पूजा के घर में पेंट हो रहा है। और अब मैं करने जा रही हूँ इंस्टेंट फेशियल, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो ये सब कुछ सामान है, आपको मैं दिखा दिया है सब कुछ और अब करते हैं और आपको बताती हूँ। आज हम वो फेशियल करने जा रहे हैं जिसमें कि हम एकदम चमक जाऊँगी, मैं एकदम दमक जाऊँगी। और ये इंस्टेंट फेशियल है, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है और कुछ भी बाहर का कुछ नहीं लेकर आना है, सब कुछ घर के सामान से हम अचीव कर सकते हैं और अपना फेशियल करेंगे। और सबसे पहले हम करेंगे क्लिंजिंग, वो हमें पहले तो हम फेस वॉश करके आएंगे। आप कोई सा भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, जो आप करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद अभी वैसे मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, देख सकते हैं आप, पर मैं अब इसको क्लिंजर ज़रूर करूँगी। उसके लिए मुझे चाहिए दूध, कच्चा दूध, उससे मैं कॉटन से अपना फेस क्लीन करूँगी। कच्चे दूध के फ़ायदे तो आप सभी जानते होंगे, क्या मज़ेदार और क्या एकदम धांसू फ़ायदे होते हैं इसके। ये देखिए आप, ये मेरा डन हो चुका है और अब इसको मैं गीले कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ। अब मैं करने जा रही हूँ सेकंड स्टेप, उसके लिए मुझे चाहिए आटा और मिल्क। वैसे मुझे जई का आटा नहीं मिला, ओट्स का आटा नहीं मिला मेरे को, अगर वो मिला होता तो उससे बेटर तो कोई चीज़ ही नहीं थी, तो वो मुझे मिला नहीं। पर अब हम इसको हम नॉर्मल आटे से ही यूज़ करेंगे, नॉर्मल आटे के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं। तो अब इसका मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। मेरे को एक चम्मच आटा चाहिए और थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए, और जिसकी स्किन ऑयली है तो वो रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। इसका हमको पेस्ट तैयार करके तुरंत ही लगा लेना है, वेट नहीं करना है। और ऐसा नहीं है, स्क्रब का काम भी वैसे करेगा, बट आपको ऐसा नहीं करना है कि इसको रगड़ रगड़ के अपनी स्किन को खींच लें। हाँ, ईजीली छोटे मतलब नरम नरम हाथों से इसको करना है, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ये देखिए ऐसे दिखेगा। अब इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है और अब इसका मैं अच्छे से मसाज दूंगी, हल्के हाथों से ही मसाज दूंगी। अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं और आपको पार्लर जाने का टाइम नहीं है तो आप इस फेशियल को ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इंस्टेंट ग्लो आता है, इंस्टेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हमारे डेड स्किन को अच्छे से निकालता है, वो हमारे नोज़ के आसपास ज़्यादा होती है इधर। बस इसको अब मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ फटाफट। अब मैं करूँगी थर्ड स्टेप और ये मसाजिंग करने वाली हूँ मैं। मसाजिंग का मतलब ये होता है कि अच्छे से मसाज करना, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और मसाजिंग से ग्लो आता है चेहरे पर, तो अब हम वही करते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए चावल का आटा और मुझे चाहिए बीटरूट का जूस, देख सकते हैं आप। अब चावल के आटे को मैं चुकंदर के जूस में मिला लेती हूँ। ये क्या मज़ेदार इफेक्ट लेके आने वाला है, आप देखिए। वाह, ये मैंने लगा लिया है। अब इसको मैं अच्छे से मसाज दूंगी, ऐसे करना है, फिर हमें ऐसे स्टेप देना है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई केमिकल नहीं है, इसको हम आइस पे नहीं कर सकते हैं, हमें इसको आइस पे भी अच्छे से मसाज देनी है, फॉरहेड पे देनी है, अब मतलब हर जगह हमको इसको अच्छे से मसाज देनी है। मसाज करने जा रही हूँ मैं, देखिए आप, अब मेरे को दोनों हाथों की ज़रूरत है इसलिए मैं आपको मसाज करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने अच्छे से मसाज कर ली है और बिल्कुल लाइट लाइट हाथों से इसको क्लीन कर लेते हैं, देख सकते हैं आप कितना अच्छा ग्लो आया है। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ स्टेप। अब हमें चाहिए मैजिकल चीज़, वो है चंदन पाउडर और साथ में हमें चाहिए दूध। हम इसको रोज़ वाटर में भी मिलाकर लगा सकते हैं, पर मैं इसको मिल्क के साथ लगा रही हूँ। मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लेती हूँ। मैजिकल चीज़ है यार ये, इसको मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है और ये अब जब सूख जाएगा, 10 मिनट में सूख जाएगा, उसके बाद हम नॉर्मल इसको नॉर्मल वाटर से और उसको ऐसे पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद हम एक स्टेप और करेंगे, देख सकते हैं ये सूख चुका है और अब इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन रिज़ल्ट आया, देखिए आप कितना मस्त रिज़ल्ट आया, आप देख सकते हैं ये देखिए। और अब लास्ट स्टेप है,
उसको अब मुझे लगाना है सिर्फ टोनर, इसके अलावा अब मुझे कुछ भी नहीं लगाना। और कोई सा भी टोनर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे टोनर का थोड़े से स्प्रे में उसकी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं कॉटन से उसको निकाल के लगा रही हूँ। फाइनली डन है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है और कोई फेस वॉश नहीं, कुछ नहीं। देखिए आप क्या मस्त ग्लो आया, आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने है रिज़ल्ट, क्या मज़ेदार ग्लो आया है। और जो ये मेरा पिंपल बहुत ज़्यादा मतलब गंदा सा हो रहा था, वो भी बैठ गया, ये देख सकते हैं आप। बस एक दो दिन में ये भी सही हो जाएगा। और ये आप भी ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है ये। आप देख सकते हैं आप, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, सब कुछ आपके सामने किया है। और क्या बेहतरीन रिजल्ट आया है, आप देख सकते हैं। और अब मैं करती इस वीडियो का यहीं पर एंड, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। बहुत काम है कल भी मुझे। बाय।